पे हम पहले से थे। कहाँ पे थे बच्चों हम? मैंने आपसे बताया था कि ये तो समझ में आया क्या? नहीं आया? ब्रोमीन, हाँ घर पे है ना, ब्रोमीन वाटर का समझ में आया सबको क्या बनेगा? ये वाली मेथड समझ में आई? मैसेज करो, ये वाली मेथड सबको समझ में आई? CH2OH, OH, OH, ये वाले मैंने बोला था कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये वाला ग्रुप आपका कहाँ पे चला जाएगा बच्चों? ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? बाकी एज इट इज रहने दो, और जो भी बनेगा उसे हम क्या बताएंगे? जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ग्लूकेनिक एसिड। आप समझ में आया सबको यहाँ तक की बातें? ग्लूकेनिक एसिड बोलो, कर दो मैसेज। ग्लूकेनिक एसिड समझ में आया सबको? ऑक्सीडाइजिंग मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाओ, सब ज्वाइन है ना? ओके, आगे बढ़ते। अब देखो काम की चीज, लेकिन अब हमने क्या किया, हम इससे खुश नहीं है, हम ग्लूकोज से खुश नहीं है। ये हमारा CHO, ये CH2, चलो 1 2 3 4, पता है ना हमारे पास बहुत अवेलेबिलिटी है, तो हम अच्छे से यूज करेंगे सारी चीजों का। ये CHO, CH2OH, CH, हाँ ये किसमें? अब देखना, अब मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, देखो यार OH इधर है अभी, OH, ये OH एज इट इज, OH, EH, OH, OH, ये ग्लूकोज है हमारा। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आई होप सबको याद हो गया होगा अच्छे से। OH, OH, EH, OH, EH, याद रखना। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब ये बहुत खतरनाक चीज है, ऐसी चीज अगर दिख गई तो याद रखना ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। आपको पता है नाइट्रोजन एक +5 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को तो कार्बोक्जिलिक एसिड में भेजेगा, नीचे वाले को भी कार्बोक्जिलिक एसिड में भेज देगा। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज सैकेरिक, या अच्छे से बोलो ग्लूकैरिक एसिड, ग्लू कैरिक, ग्लूकोनिक नहीं, ग्लू कैरिक एसिड, ग्लू कैरिक एसिड, ग्लू कैरिक एसिड, समझे? दिस इज योर ग्लू कैरिक एसिड। दोनों भी चले गए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पहले वाले केस में एक एक ही का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में आपका दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोलो जल्दी, क्या आपको यहां तक के सारे रिएक्शन क्लियर है ग्लूकोज के? मैसेज करके बताओ हमने किस तरह से रिएजेंट का यूज किया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो देखो ये ऑक्सीडेशन पढ़ाई मैंने, ठीक है ना, सारे ऑक्सीडेशन पढ़ लिए, अब हम रिडक्शन करेंगे, चलेगा ना? देखो यार अभी तक हमने ऑक्सीडेशन पढ़े, अब हम इनका रिडक्शन करेंगे। मान लो मेरे पास, अब हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, चलो रिडक्शन करना शुरू कर देते। मान लो ग्लूकोज है मेरे पास, अब मैं फ्रुक्टोज भी ले लेता हूँ साथ में, फ्रुक्टोज भी ले लेता हूँ ना, तो मजा और आ जाएगा आपको। फ्रुक्टोज भी ले लेता हूँ साथ में, कहाँ पे लू फ्रुक्टोज? देखो छोटा छोटा बनाता हूँ, ये हमारा ग्लूकोज, ये हमारा फ्रुक्टोज, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो देखो यहाँ पे ऊपर वाले में देखो सर होगा CHO, ऊपर क्या होगा बोलो जल्दी, ऊपर होगा CHO, देखना ऊपर क्या है, ये कुछ भी बना देता हूँ, रुक जाओ यार। वन दूसरा, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, अब ठीक है, सेकंड वाले को मैं हटा देता हूं। अब देखना, अब बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे था आपका CHO, यहाँ पे था आपका CHO, इधर था आपका ये कीटो, इधर का फ्रुक्टोज है CH2OH, ठीक है फ्रुक्टोज है, इधर था सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना, इधर वाला नीचे वाला। अब इधर थर्ड वाला OH इधर है, बाकी OH सारे इधर, OH, OH,
नीचे आ जाएगा CH2OH। ठीक है बच्चों, नीचे आ जाएगा CH2OH, देखना। अब अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखो, इसका तो आपको पता है। फिर ये तो सेम ग्लूकोज की तरह है, थर्ड कार्बन से OH 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 और ये CH2OH। बोलो भाई, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सबको क्लियर है ना? ऊपर वाला ग्लूकोज है और नीचे वाला फ्रुक्टोज है, ठीक है ना? डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। अब आगे बढ़ते देखो, अब हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अब कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें सर? तो आप कोई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली NaBH4 तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, क्लियर है? NaBH4 है सपोज। उसके बाद याद रखना यहाँ पे H2PDC यूज किया, H2PDC कोई भी, मतलब आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? या फिर Na लिक्विड अमलगम सोडियम, ये वाला सोडियम और मर्क्यूरी का अमलगम अगर हमने यूज किया, NaHG भी दे देते कभी बार। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप जनरली मैं NaBH4 को लेके चलूंगा, ठीक है ना? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। NaBH4 आपको सबको पता होगा बच्चों, अच्छे से तो याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। क्या करेगा रे, आप खुद से बताओ। सर ये ऊपर वाला CHO ना है, CHO, इसको कन्वर्ट कर देगा रिडक्शन से। बोलो भाई, 1 डिग्री अल्कोहल में तो ऊपर क्या बनेगा? CH2OH बनेगा सर जी। बोलो, समझ में आया सबको? ऊपर बनेगा CH2OH। उसके बाद याद रखना, उस देखो ये तो चेंज हो गया हमारा, ये तो आ गया हमारा चेंज, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज रिडक्शन, हमें पता होगा अच्छे से। उसके बाद सर ये OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, ये भी OH एज इट इज और ये CH2OH भी एज इट इज। अगर आपने कभी देखा होगा कि हर कार्बन पे OH ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? हर कार्बन पे OH ग्रुप है, कुछ बता सकता है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे सॉर्बिटॉल। याद आया कुछ जब हम बचपन में पढ़ते थे? बचपन, अभी भी आप छोटे हो। सॉर्बिटॉल, अल्कोहल चैप्टर के अंदर सॉर्बिटॉल, दिस इज योर सॉर्बिटॉल। तो जैसे हमने ग्लूकोज का रिडक्शन किया, याद रखना ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करेंगे तो सॉर्बिटॉल बनेगा। बच्चों यार क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना? ग्लूकोज का रिडक्शन करने के बाद सॉर्बिटॉल बनेगा, ठीक है? बहुत अच्छे, सॉर्बिटॉल बनेगा, सारे OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। या ग्लूसिनॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इसको सॉर्बिटॉल या ग्लूसिटॉल, ग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है, कोई चिंता की बात नहीं। सॉर्बिटॉल बनाओ या ग्लूसिनॉल बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इन दोनों का नाम एक ही है। तो देखो थोड़ा नाम में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप होशियार बंदे हो, आप याद रखो, ठीक है? चलो, समझ में आया सबको? लेकिन अब मैं फ्रुक्टोज की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? आप ऊपर वाले को रफ कर दूं, मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, ठीक है ना? आप ग्लूकोज का समझ में आया। अब फ्रुक्टोज की बारी, तू कहाँ बच के जा रहे है भाई? अरे फ्रुक्टोज तू कहाँ बच के जा रहा है? लेकिन याद रखना, आपको पता है सर यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा। मान लो इसके ऊपर मैंने रिडक्शन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, H- का अटैक होगा। किसका अटैक होगा? NaBH4 हाइड्राइड डोनर है, NaBH4 एक हाइड्राइड डोनर है। तो ये H- के अटैक, देखो ये वाला ग्रुप देखो, कीटोन का ग्रुप देखो, तो यहाँ पे दो तरह के अटैक हो गए। एक तो फ्रंट साइड अटैक होगा, अभी बता यार, ये कीटोन आपका प्लेनर है, तो यहाँ पे भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे? जल्दी बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे फ्रुक्टोज के केस में? जल्दी बताओ मैसेज करके, आप खुद से बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप बोलोगे सर फ्रुक्टोज के केस में रिडक्शन के बाद, वेरी गुड, दो प्रोडक्ट बनेंगे सर। मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना? मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? आगे बनाता हूँ, इधर देखो। पहला प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा मैं बता देता हूँ। देखो रिडक्शन होगा ग्लूकोज का, दूसरा भी इधर लिख देता हूँ मैं, दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये दूसरा वाला। ओके देखो, अब अच्छे से देखो, बाकी सेम रख दो, सिर्फ ये वाला जो ग्रुप है ना, मैं रेड इससे दिखा रहा हूँ, देखो इसको आप थोड़ा सा चेंज करो, बाकी सब सेम रखो। रेड वाले ग्रुप को चेंज करो, बाकी एज इट इज रखो। देखो ऊपर क्या था? CH2OH था, नीचे क्या था? CH2OH। अब देखो 1 2 3 4, अब देखो सारे OH हो गए, ये OH ये OH, ये तो एज इट इज है सर, देखो ये तो एज इट इज है, बाकी ये सारी कहानी एज इट इज है। मैं ब्लू से मार्क कराओ, देखो यहाँ तक की कहानी पूरी सेम है। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना सर, ये वाला सारा सेम है। चेंज कहाँ पे करना है सबको समझ में आ रहा ना? चेंज कहाँ पे करना है सबको समझ में आया? तो ठीक है, तो बाकी सब एज इट इज लिख दो। CH2OH ऊपर भी आपका CH2OH, ठीक है ना बच्चों? अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, आपके तीन चार कार्बन है, 1 2 3 4, देखो ये भी सेम है OH,
इधर का OH सेम, हाइड्रोजन लगाना भूल मत जाना, मैं नहीं लिख रहा तो आपने भी नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चेंज करना है सर, इस वाले कार्बन पे। सारी कहानी यहाँ पे आके रुकती है। तो अब मैं देखो क्या करता हूँ, अच्छे से देखना, देखो अच्छे से देखो। अब मान लो मैंने OH ग्रुप एक तरफ लगा दिया, OH और H, ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। और दूसरा वाला देखना मैं क्या करता हूँ, एक OH मैंने इस तरफ लगा दिया, एक OH मैंने इस तरफ लगा दिया, ठीक है ना। नाउ दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट, अब इसको बोला जाता है, बहुत अच्छे से सुनना, ये मैनोज की तरह दिखता है, कुछ याद है मैनोज? मैनोज में भी दो कार्बन, एक दो OH एक तरफ रहते हो यार, कुछ याद आ रहा है सबको? ग्लूकोज का C2 इपोमर है, ग्लूकोज का C2 इपोमर है मैनोज, सबको याद आ रहा है? तो इसको बोला जाता है मैनिटोल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको मैनिटोल इज अ प्रॉपर वर्ड, इसको बोला जाता है मैनिटोल। और इसको आपको पता है क्या बोला जाता है? इसको सॉर्बिटोल ही, ठीक है। समझ में आया अभी सबको? अगर ज्यादा पूछे तो आपको याद रखना, एक्चुअल में दोनों तरफ भी सॉर्बिटोल बनते हैं, आपको कोई चिंता नहीं। सॉर्बिटोल अगर ऑप्शन में हो तो इसको आके बंद करके क्लिक कर दो, टिक करके आ जाओ। लेकिन याद रखना, आपको फ्रुक्टोज का जब जब रिडक्शन होगा दो प्रोडक्ट मेंशन करेगा, या तो मैनिटोल या तो सॉर्बिटल। बोलो भाई सबको क्लियर है? फ्रुक्टोज ग्लूकोज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है मेरी, गलत है। वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है क्या मेरी? बोलो बच्चों। अगर मैं जियो पे शिफ्ट करता हूँ तो नेटवर्क कम आएगा रे, कम ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है कोई नहीं, हम 1 मिनट वेट करते, पहले ये बताओ। यस ब्रेक हो रही है, चलो पहले ये बताओ। ठीक है हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्लियर नहीं आएंगी तब तक। पहले ये बताओ, ये समझ में आया सबको? सामने वाली चीज सबको समझ में आई? ये बताओ सब कि सॉर्बिटॉल का अगर हमने रिडक्शन किया तो कीटोन ग्रुप का रिडक्शन, लैग भी हो रहा है। ओके ठीक है, आज और कल बहुत दिक्कत आ रही थी, क्या किया होगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। हेलो, अब बताओ आवाज आ रही है मेरी? चलो अब मैसेज करके बता दो आवाज आ रही है क्या, और ये भी बता दो कि क्लियर है। हेलो हेलो, अब बताओ। नाउ इट इज क्लियर, अब बताओ क्लियर है आवाज मेरी? इज इट क्लियर नाउ? अब अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अभी आ रहे आवाज? अभी भी क्लियर नहीं, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है। आप बताओ, अब आ रही आवाज? हेलो अब आ रही? आप क्लियर है? अभी एकदम अच्छे से आ रही है, बता दो। एकदम अच्छे से आ रही है अभी? ये सामने वाली चीज समझ में आई सबको? नहीं यार अभी क्लियर होनी चाहिए थी। बहुत प्रॉब्लम आ रही है कल और आज, अभी क्लियर है रे? सामने वाली चीज सबको समझ में आई क्या, वो मैसेज करके बताओ पहले मुझे। सामने वाली चीज फ्रुक्टोज का रिडक्शन, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, ये सबको समझ में आई? ये बात मुझे मैसेज करके बताओ। सामने वाली चीज सबको समझ में आई, मैसेज करके बताओ। बहुत अच्छे, अब देखना। चलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहां से आगे मैं थोड़े से खतरनाक रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो देखो अब ग्लूकोज लिख देता हूं मैं,
CHO, ये हमारा ग्लूकोज है, इसको बहुत अच्छे से देखना। CH2OH, इसको थोड़ा लंबा करके लिखा, ठीक है ना? आप देखो 1, 2, 3 एंड 4, देखना अच्छे से। नाउ दिस इज योर, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। OH, 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 अब अच्छे से देखना। यहां पे हाइड्रोजन है, आप सबको पता है, हाइड्रोजन तो छोड़ दो यार, हाइड्रोजन लिख देता हूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब अगर मैंने बच्चों ये वाला रिएजेंट यूज किया कभी भी इस तरह का, मैं लिख देता हूं कौन कौन से, NaIO4, देखो इनको अच्छे से गौर से देखो, इनको IO5, IO5, HIO5 सॉरी, उसके बाद H2IO6, ऐसे टाइप के रिएजेंट जनरली HIO5 या NaIO4 यूज करते, ठीक है? ऐसे रिएजेंट अगर आयोडीन ऑक्सीजन वाले रिएजेंट दिख जाए ना, तो इनका एक काम होता है, समझना अच्छे से, इनका क्या काम होता है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? इनका काम हम पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो क्या काम होता है, मान लो हमारे पास ये वाला ग्रुप है OH, ये OH ग्रुप है, ठीक है ना? ऐसा कुछ ग्रुप है मान लो, तो ये वाला रिएजेंट क्या करता है बच्चों, खतरनाक काम करता है, इनको ब्रेक कर देगा, इधर भी OH ऐड कर देगा और इस तरफ भी OH ऐड कर देगा, दोनों तरफ OH के एडिशन कर देगा। चलो इससे क्या होगा, और बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो देखो सर उधर भी OH चला जाएगा और एक ही इस पे OH दूसरा, और नीचे वाले पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन पे 2 OH चले जाएंगे। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ आपको समझ में आया मैंने क्या किया। अगर मैंने ये वाले रिएजेंट यूज किया ना, IHIO4 या O5 वाले, तो ये दोनों तरफ OH ऐड कर देगा और बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। और आपको पता है कि सर एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से वाटर निकाल दो तो क्या बचा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना? तो उसके बारे में आप चिंता मत करो, तो ये वाली चीज बनेगी कीट, ये एल्डिहाइड बनेगा। समझ में आया सबको भाई, समझ में आ रहा है सबको बच्चों मैं क्या करने कर रहा हूं। सिमिलरली इधर से भी OH और OH हटाओ तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH, ये वाली चीज बच रही। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, क्लियरली समझ में आ रहा है, मैं एल्डिहाइड बनाते जा रहा हूँ। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको, कैसे किस तरह से मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखो और क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो CH2, देखो मैं सब बता रहा हूँ, OH है और नीचे भी देखो, यहाँ पे नीचे भी इस तरह का है OH, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा। और मान लो मैंने वो वाला रिएजेंट यूज किया, तो इसको ब्रेक कर देगा, नीचे OH, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कार्बन है, नीचे OH और ऊपर देखो, और फिर इसको भी ब्रेक कर देगा, समझना, फिर इस वाले को भी मान लो ब्रेक कर दिया, तो ऊपर OH चला जाएगा, नीचे भी OH चला जाएगा, आपको समझ में आए बॉन्ड। तो अब मैंने दो, ये देखो ये वाला मॉलिक्यूल देखो सबसे पहले, ओ माय गॉड, सबसे पहले क्या देखो पता है क्या, सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला मॉलिक्यूल देखो मैंने क्या किया, इसको देखो मैं जिसको राउंड कर रहा हूं उसको देखो, दिखा सबको, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कैसे, CH2, सर एक OH ऊपर और ये रेड वाला OH नीचे जो कि हमने ऐड किया। अब आपको पता है सर OH और H हटा दो, तो हटा दिया सर OH और H, क्या बना, ये फॉर्मल्डिहाइड बना। बोलो भाई क्लियर है सबको, किस तरह से मैं कर रहा हूँ, सबको समझ में आया किस तरह से मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, मैसेज करके बताओ, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले को, अब बीच वाले को देखो, बीच वाले को, अब बीच वाले को देखो सर, एक कार्बन है और एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इधर से ऊपर से एक OH हमने ऐड किया, नीचे से एक OH हमने ऐड किया और ये तीसरा OH, अरे बाप रे, ये तो 3 OH है, तो वाटर निकाल दो, OH और H, तो इनको घटा रहा हूं मैं, देखो OH और H निकालने के बाद क्या बना, जल्दी बताओ ये एसिड बना या नहीं बना, मैसेज करके बताओ, एसिड बना या नहीं बना, मैसेज करके बताओ, हाँ या नहीं मैसेज करो रे, हाँ या ना, बहुत अच्छे एसिड बना, क्लियर है? आगे बढ़ो अभी मैं, आगे बढ़ो अभी मैं, अब देखो काम की चीज, अब मैं पूरा ग्लूकोज लिख देता हूँ, पूरा ग्लूकोज, और फिर आपको मजा आएगा कि मैंने क्यों पढ़ा इतना सारा, क्यों इतना रामायण पढ़ा है। देखो पूरा ग्लूकोज, ऊपर था हमारा CHO, नीचे है हमारा CH2OH, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 बीच वाले, ठीक है ना? अब देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये OH, ये OH, OH और सर OH, ठीक है, H, H,
अब आप खुद से बताओ, अब मैं एडिशन करने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छे से देखना, रेड से दिखा रहा हूँ, रेड से। अब जो ऐड कर रहा हूँ रेड से दिखा रहा हूँ, देखना। पहले मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो ऊपर ओ एच, नीचे भी ओ ए, समझ में आया सबको? पहले वाला ऊपर ओ एच नीचे ओ एच, सबको पहले वाला समझ में आया क्या? ऊपर ओ एच नीचे ओ एच, जल्दी बताओ। इस वाले बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, मैसेज करो। मैं ब्रेक करने के लिए ना दूसरा वाला पेन यूज करता हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ब्लू वाला, रुक जाओ, मैं ग्रीन वाला ब्रेक ब्रेक करने के लिए। देखो यहां से ब्रेक हुआ, वापस से यहां से ब्रेक होगा। अरे सर जी, ये तो ब्रेकिंग ही चल रही है। चलो ठीक है, ब्रेकअप चल रहा है यहाँ पे। किसका? बॉन्डो का ब्रेकअप। चलो आगे बढ़ते। अब देखो सर, ऊपर भी ओ एच, नीचे भी ओ एच, ऊपर ओ एच नीचे ओ एच, ऊपर ओ एच नीचे ओ एच, ऊपर ओ एच नीचे ओ एच। अरे कितना कंफ्यूजिंग है सर, आपको क्या कंफ्यूजन करना है? आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, ये वाली, इस बीच वाले को देखो। तो सबसे पहले तो आपको पता, बोलो क्या बनेगा इससे, जल्दी बताओ। सर एक कार्बन है, सर एक कार्बन है, उसको कितने ओ एच है? 1, 2, 3 ओ एच और एक एच। तो बोलो क्या बनेगा सर? आप वाटर निकाल दो, ओ एच और एक एच, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और एच, ये वाले। तो ऐसे कितने बनेंगे, आप खुद से बता दो अभी, ऐसे कितने बनेंगे? रे बीच में कितने कार्बन है? ऐसे चार है ना, चार है या पांच है, आप बताओ। मैं बता दू, मैं बता देता हूं, ठीक है ना? तो सबसे देखो यहां से, हाँ देखो, 1, 2, 3, बहुत अच्छे, ऐसे चार बनेगा। मतलब ग्लूकोज को अगर मैंने उसके साथ रिएक्ट किया तो चार एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच मिलेगा। अरे समझे, मजा आया सबको? ये वाला पहला प्रोडक्ट समझ में आया सबको? दूसरा क्या बनेगा? तो ये वाला देख लो भाई, इसको देख लो अच्छे से। तो यहां से, तो देखो यहां से क्या बनेगा, तो देखो ये सी एच एच ओ एच और ओ एच, तो वाटर बाहर निकाल दो बच्चों। तो क्या बचा? फॉर्माल्डिहाइड बचा ना, देखो। तो ये वाला एक चीज बनेगी, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाली एक चीज बनेगी सर। हाँ या ना बताओ, जल्दी बोलो मैसेज करके, यहां तक की बात बच्चों क्लियर है सबको? हाँ या ना बताओ जल्दी से, यहां तक की बात सबको क्लियर है? बोलो भाई, बचा क्या? सी डबल बॉन्ड ओ एच और ओ एच बचा। अरे ये वाला रे, सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच बचाना। बोलो जल्दी, यही तो बचा ना? ये कितने बन गए फिर? ये ऊपर वाला तो ये ना, सी डबल बॉन्ड ओ, देखो ऊपर वाला क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और नीचे से एक ओ एच आ गया। अरे समझे सब? तो ऊपर वाला भी क्या है हमारा, सेम है ना? तो ऐसे पांच बनेंगे एक्चुअल में, ऐसे तो एक्चुअल में पांच बनेंगे। ये वाले दिख रहे हैं अभी, ये वाले एक्चुअल में कितने बनेंगे बताओ जल्दी? ऐसे पांच बनेंगे फॉर्मिक एसिड, और एक बनेगा आपका एल्डिहाइड। बोलो क्लियर है अब सबको? मैसेज करके बताओ, क्या सबको हो गया क्लियर? क्या सबको हो गया क्लियर? मैसेज करो बताओ। बहुत अच्छे, तो अब सीधा लिख दूं मैं? हाँ आप सीधा लिख दूं? चलो सेव कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा लिख देता हूँ। देखो ये आपके रैंक बढ़ाएंगे ना, ये किसी को नहीं आएगा लेकिन आपको आएगा। मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये तो सिलेबस में नहीं, लेकिन नहीं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में आपके। जो भी चीजें छूट रहे उन सारी चीजों को मैं ना लेते चलूंगा। अब देखना, अब देखना अच्छे से। फ्रुक्टोज का आप घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है ना? फ्रुक्टोज का आप घर के जाके ट्राई करना, मैं बता देता हूँ क्या क्या बनेगा। सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, और अब देखो इसका, देखो इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं, कि सर यहाँ पे भी ओ एच आ जाएगा और ऊपर से भी ओ एच आ जाएगा सर। तो ये वाली चीज बनेगी कार्बोनिक एसिड सर, बीच में कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो किसमें टूटेगा? एच टू प्लस, देखो ये किसमें टूटेगा जल्दी बताओ? एच टू ओ प्लस, एच टू ओ प्लस सीओ टू। तो ये आप कर लेना, ठीक है ना बच्चों? याद रखना, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, बाकी फ्रुक्टोज का आपको घर पे जाके चेक करना है। बाकी फ्रुक्टोज का आप कर लोगे जल्दी बताओ? मैसेज करके बताओ, फ्रुक्टोज का आप घर पे जाके ट्राई करोगे? फ्रुक्टोज का एच आई ओ, एच आई ओ फाइव के साथ क्या रिएक्शन होगी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? मैंने आइडिया दे दी, इसके साथ एच टू और सीओ टू तो पक्का बनेगा, ये तो बता दिया मैंने। अब इसके साथ आपको बताना है क्या क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क है, आप ब्रेक करके चेक कर लेना। वैसे भी आपको ग्लूकोज से ही क्वेश्चन आएगा, फ्रुक्टोज से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। चलो यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है अच्छे से?
आइए आज थोड़ा सा किलेने फिशर सिंथेसिस की तरफ चलते। किलेने फिशर सिंथेसिस जो कि आपके रैंक बढ़ाएगा, जो कि मैं लिख देता हूँ रैंक बूस्टिंग क्वेश्चन, ये वाले सीधे आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन एक क्वेश्चन आ जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि सिलेबस में तो नहीं है सर, क्योंकि किलेने फिशर सिंथेसिस आप सोचोगे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी इसका आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। मैं बता रहा हूँ क्यों, किलेने फिशर सिंथेसिस, किलेने फिशर सिंथेसिस को ही बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, इसको ही बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन को बढ़ाना, कार्बन चेन को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके रिएजेंट भी बता देता हूं मैं, ठीक है ना। रिएजेंट देखो, सबसे पहला रिएजेंट आपको देंगे HCN, कौन सा देंगे HCN, दूसरे स्टेप में आपको देंगे H2PDC, बोले तो रिडक्शन करवाएंगे, और तीसरे स्टेप में आपको H3O+ दे देंगे। ये तीन चीजें याद रख लो, ग्लूकोज के साथ अगर, ग्लूकोज के साथ अगर HCN दिख जाए, H2PDC दिख जाए और H3O+ दिख जाए, तो इसका मतलब होता है, देखो सर एक कार्बन ऐड हो रहा है ऑलरेडी, सर एक कार्बन और ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन या फिर किलेने फिशर सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान है, मैं ज्यादा वक्त नहीं बताऊं बर्बाद करूंगा। देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है पहले वो बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर मुझे बताओ कौन सा है, कोई भी बता दो। चार कार्बन है, पांच कार्बन है, ठीक है ना। इस पांच कार्बन वाले बंदे को हम क्या बताएं, क्या बोलेंगे, मैसेज करके कोई बता सकता है इसको हम क्या नाम दू सर, इस पांच कार्बन वाले बंदे को मैं क्या नाम दू। आप सोचो सर, चार में थे हम, चार में सर आ गए थे, कौन कौन था चार में, इरिथ्रोस, अरे मैंने कभी पेंटोस बोला, मैंने अभी इतना नाम पढ़ा है फिर भी आप पेंटोस बोल रहे हो यार, ये गलत है ना, पूरी तरह से गलत है ना यार, दिस इज योर अरेबिनोज, इसको देख लेना अच्छे से, इसलिए बोला था स्ट्रक्चर आपके टिप पे चाहिए। हो गया क्लियर, अरेबिनोज है ये, बोलो भाई क्लियर है अभी, मैसेज करो, आया ना, आया ना, बताओ जल्दी यार, दिस इज योर अरेबिन सर, नाम नहीं याद तो रहे भाई, याद नहीं हो रहे, मैंने देखो अभी मैं नाम याद नहीं हो रहे, नहीं बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी जगह पे जाओ, जिस तरीके से मैंने आपको याद करने के तरीके बताए स्ट्रक्चर नेमिंग, आप मिल ही नहीं सकते। जब आप YouTube पे 10 चैनल सर्च करो और चेक करो, वहां पे आपको स्ट्रक्चर याद हो रहे कि आप पागल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक चीज को कनेक्टिविटी से पढ़ा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे तो। देखो यार इतने मैं बहुत बेसिक यार, एक टेबल याद करना है सिर्फ आपको, एक टेबल याद करना है। अरे बिनो देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब देखो सीधा प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, सीधा प्रोडक्ट लिख, देखो यार अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे तो मैं बताऊं, अगर आपको अच्छा मिले तो यूट्यूब पे जाके देख लेना अच्छे अच्छे चैनल से, वहां पे आपको पूरा बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो जाओगे, सुनो तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो, जो बताए उसी तरह से प्रैक्टिस करो। तीन रिएजेंट मेंशन है, HCN है, दूसरा वाला कौन सा है बोलो, H2PDC है, दूसरा वाला रिडक्शन का रिएजेंट है, और तीसरा वाला H3O+ है। भाई सीधे बता रहा हूँ सीधे, ये पांच मेंबर का आर ए बिनोज है, इससे क्या क्या बनता है आपको पता है ना, देखो RAXL, बोलो ये पढ़ाया था ना मैंने राइबोज, अब बोलो राइबोज से क्या क्या बनता है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, राइबोज से बनता है सर आलोज और अल्ट्रोज, हमें राइबोज से कोई लेना देना नहीं, हमें अरेबिनोज को देखो, अरेबिनोज से क्या क्या बनता है बताओ जल्दी, एक कार्बन बढ़ाने पर अरेबिनोज से क्या क्या बनता है अब बताओ सर, अरेबिनोज से बनता है ग्लूकोज मांगे, ग्लूकोज और मैनोज, बोलो भाई क्लियर है, अरेबिनोज से क्या बनता है ग्लूकोज और मैनोज बनता है। तो याद रखना इस वाले के प्रोडक्ट भी कौन से होंगे, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट भी कौन से होंगे जल्दी बताओ, इस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बनेंगे इंक्रीज इन कार्बन चेन, बोले तो कार्बन को बढ़ाना है, तो या तो बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ क्या बनेगा जल्दी बताओ मैनोज, अब स्ट्रक्चर आप सबको पता है, बोलो जल्दी बताओ ये वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, समझ में आया, किलेने फिशर सिंथेसिस इंक्रीजिंग इन कार्बन चेन, इंक्रीजिंग इन कार्बन चेन, एक एक कार्बन बढ़ा दो, अरेबिनोज से एक कार्बन बढ़ा के देख लेना, या तो ग्लूकोज बनेगा या तो मैनोज बनेगा, मैसेज करो हाँ या ना, हाँ या ना बता दो जल्दी से। एक और बता देता हूँ, एक और अब तुम बता दो, सिंपल सिंपल ले लेता हूँ, ये CHO है, 1 2 3 4 5 CH2OH, OH 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 H, अब बताओ अब कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे किलेने फिशर सिंथेसिस सर, HCN, दूसरा H2PDC, तीसरा बताओ जल्दी से,
सर H3O+ ऐसे दे देंगे। हाँ बताओ जल्दी कौन, ये आपका अलोज है, वेरी गुड, ये आपका अलोज है। तो क्या नहीं है, ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, राइबोज है, दिस इज योर राइबोज। एक तरफ है सारे OH ग्रुप, अरे राइबोज का एक OH मैंने उस तरफ किया था, राइबोज का एक OH उस तरफ किया था, क्या बन गया था बोलो जल्दी, तब बन गया था एरेबिनोज। इतना नहीं याद हो रहा क्या, समझ में आया सबको। राइबोज से हम क्या बना सकते हैं, एक तो अल्ट्रोज बना सकते हैं सर, और एक तो बना सकते हैं अलोज। बोलो क्लियर है सबको, प्रोडक्ट समझ में आए किस तरह से लिखेंगे हम, मैसेज करके बताओ। ऐसे दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेन, अल्ट्रोज एंड अलोज, मैसेज करके बताओ। किलिन फिशर सिंथेसिस सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ। किलिन फिशर सबको सबको क्लियर है, अच्छे से सबको क्लियर है, बहुत अच्छे सर क्लियर है। तो ऐसे प्रोडक्ट लिखना सीखो अभी। देखो यार मैं इसका मैकेनिज्म बता के कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अब रफ डिग्रेडेशन इसके नेक्स्ट वाला है, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ठीक है ना, रफ डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या होगा रे, एक कार्बन कम करो, इसके रिएजेंट सुन लो पहले, इसके रिएजेंट सुन लो। पहला हम यूज करेंगे ब्रोमीन वाटर, पहले पहले यूज करेंगे ब्रोमीन वाटर, दूसरा यूज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा रिएजेंट, याद रखना तीन स्टेप में होगी ये रफ डिग्रेडेशन। आपको कोई स्टेप्स नहीं पूछेगा, आपको रिएजेंट याद रखने, Br2 वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से वाइज जा रही, ये तो अच्छी बात है, सुनो एक मिनट, वाइज जा रही फिर से, वाइज जा रही फिर से, अच्छा अरे यार वाइज जा रही है फिर से। चलो एक काम करो, रिज्वाइन कर लो,